विधानसभा में सूखी नहर के नाम से प्रसिद्ध बाबा विद्यापति मार्ग आज गीली हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने बताया ये जो जल भराव है पिछले कई सालों से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये जो बुरी स्थिति है वो कुछ ही महीनों से है। ये सड़क अभी पिछले शायद 1.5 साल पहले ही बनाई गई है। दुकानदारों ने बताया कि यहाँ का जो जल भराव है वो ख़त्म नहीं हुआ और जो नाला बना है इस नाले की ब्लॉकेज की वजह से ये जल भराव और ज़्यादा विकराल रूप लेता जा रहा है। कई लोग इस जल भराव में गिर चुके हैं। लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी जब से आई है यहाँ पर पानी की निकासी का समाधान नहीं कर पाई, जबकि दिल्ली सरकार बार बार बड़े बड़े दावे करती है दिल्ली जैसे शहर को लेकर, जो दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियाँ जो हैं उन कॉलोनियों में विकास कार्य ना के बराबर दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली की तुलना लंदन और पेरिस से करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है, कई गाड़ियां फंस चुकी हैं और यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस जल भराव में रोज़ाना गिरते हैं। आसपास की दुकानदारी भी ठप हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये बाबा विद्यापति मार्ग है जो प्रेम नगर थर्ड के अंदर मौजूद है। ये जल भराव यूं ही का यूं बना हुआ है और इस जल भराव का जो जिम्मेदार है वो यहाँ के प्रशासन को मानते हैं स्थानीय लोग। आप देख सकते हो जो सामने गाड़ी आ रही है वो भी इसी जल भराव से होकर गुजरती है। जो उसका लहर है वो भी दुकान में घुसती है। दुकानदारों का कहना है कि ये जो दुकानदारी है ये बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और दुकानदारी ना के बराबर हो चुकी है, क्योंकि दाने दाने को मोहताज हो चुके हैं यहाँ के दुकानदार। देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी का जो पहिया है वो भी पानी में डूबता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बुरी स्थिति किराड़ी विधानसभा के बाबा विद्यापति मार्ग की हो चुकी है। AA News अनिल वर्मा दिल्ली। नाम बता दो। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और यहाँ पे मेरे बगल में दुकान है। इमरान, ये जल समस्या जो बनी हुई है सड़क पर कब से? ये काफ़ी टाइम से, पिछले बार भी ऐसा ही था और अभी तकरीबन 2-3 महीने से कंटिन्यू ऐसा ही है, जिसके लेकर के स्थानीय लोगों ने जई साहब को बुलाया था यहाँ पर, लेकिन जई साहब आए यहाँ और आने के बाद उन्होंने इतना बेकार काम किया जिसका परिणाम हम अभी देख रहे हैं। उन्होंने क्या किया, जो हमने सील कर दिया था अपने पैसे लगा करके, जो नाले को ढक्कन बने हुए थे उसको हमने अपने पैसों से सील किया हुआ था, जिससे कि पानी बाहर नहीं आता था, जो प्रेशर होता था उससे चला जाता था। थोड़ा बहुत पानी आता था रोड पर, जो कि हमेशा ही लगा रहता है, उसका तो खैर गिनती नहीं है, लेकिन इतना नहीं लगता। लेकिन उन्होंने क्या करा, सफाई करने के नाम पर धोखा दे करके कई जगहों से सिल्ली तोड़ चुके हैं वो, और आज की दुर्दशा ये है कि वहाँ से इतना जल भराव निकल रहा है, इतना पानी निकल रहा है वहाँ से, जो शायद ओवरफ्लो तो दूर की बात है, अब हमारी शायद दुकानों में घुस जाएगा नालों का पानी। और ये सिर्फ जई की जो थोड़ी सी जो गलती है ना उनकी, इसकी वजह से हमने उनको मना किया था कि आप इसको ओपन ना करें, इसके अंदर जो पावर प्रेस की मशीन आती है उसको लगा करके नाले की सफाई करें, जो कि कभी आज तक हुआ नहीं है। इसके लिए कई बार प्रयास किया हमने लेकिन नाले की सफाई नहीं हुई। अच्छा, ये स्थिति कब से बनी हुई है? तकरीबन ये 4-5 महीने हो गए इसको। अगर मैं बात करूँ इसके वजह से किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या तो देखिए, सबसे पहली समस्या हमारी रोज़गार की आती है, क्योंकि हमारे पास रोज़गार ही नहीं होगा, हमारा घर ही नहीं चल पाएगा, हम कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करेंगे। यहाँ से पब्लिक निकल नहीं पाती है, जो पब्लिक यहाँ से बेचारी निकलती है उसको हम अपनी जगह देते हैं तब वो पब्लिक निकल पाती है, इससे हमारा काम बाधित होता है। कोई कस्टमर यहाँ आना नहीं चाहता है, कोई रिश्तेदार हमारा यहाँ नहीं आना चाहता, जब देखेगा कोई भी इतनी दुर्दशा तो कौन आएगा। हमें तो शर्म आती है ये भी बताते हुए कि हम प्रेमनगर के निवासी हैं। कभी आप लोगों ने विधायक या फिर आगे कभी शिकायत की? इसके लिए तो हमने कई बार करा, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने ट्वीट भी किया, यहाँ तक कि जो अपना PWD है इसको भी मैंने ट्वीट किया और मेरे पास अभी ट्वीट भी अवेलेबल है। उसके अंदर मैंने इसकी भी कंप्लेंट करी और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं उसकी भी कंप्लेंट करी। वो ये कहते हैं कि ये तो दिल्ली मतलब कहाँ है, PWD को यही नहीं पता कि किराड़ी है कहाँ, तो ये PWD काम क्या करेगी किराड़ी के लिए। तो अभी एक ट्रांसफार्मर भी सुनने में आया कि टूटा हुआ है जो ट्रांसफार्मर, इसको लेके भी कुछ? जी इसमें कई बार आग लगी है, 2 बार मैंने खुद कंप्लेंट करी है, उसके बाद भी वो आए हैं, उन्होंने डंडे से पता नहीं क्या किया, उसके बाद वो लाइट रुक जाती है, लेकिन कब इसके अंदर हेवी हो जाएगा जिसकी वजह से पूरे में करंट आ जाएगा वो उसका कोई पता नहीं है। वो ट्रांसफार्मर बिल्कुल सामने है आपके। मीना है मेरा नाम। कैसी समस्या आ रही है भाई? बहुत समस्या, हम तो यहाँ 20 साल से यहाँ रह रहे हैं, ऐसा का ऐसा देख रहे हैं।
कोई सुधार नहीं आ रहा। 20 साल से देख रहे बेटा, पहली बार ऐसा हो रहा है। अब तो ये जो नहर पे जो थोड़ा बहुत निकलने का था वो भी बंद हो रखा है। नीर पे नहर पे देखो जरा, आने का जगह है ना, कुछ ना आने का ना जाने का बाजार लग रहा है। कोई लोग पानी में हलल के बाजार में जा रहे हैं, देखो सर पे गठरी लेके इतनी दूर से आ रहे हैं, अब कहीं निकलने का रास्ता नहीं है। ये तो थोड़ा बहुत तो सही करो भाई। ये तो कह रही हूँ 200 साल हो गए, ये नहर कभी नहीं सही हुई है। ऐसा कैसे हर बारिश में, अभी तो कम है बारिश आएगी तो देखो घरों में दुकानों में पानी घुस जाएगा, गलियों में चला जाएगा पानी, लोगों के घर डूब रहे हैं, पानी एकदम भरा पड़ा है। इसका थोड़ा बहुत सही करो, इसका सुधार करो, पानी निकालने का रास्ता बनाओ इसका। भाई आपका जी एजाज नाम है और बगल में मेरा घर है। करीब 1.5 साल हो गया इस तरह की समस्या किराड़ी में बनती रहती है। और जो ये नाले की सफाई की बात है, अभी तक सफाई नहीं हुई है जिसके कारण ये जल भरा हुआ है और हम बहुत ही परेशान हैं यहाँ की समस्या। दुकानदारों ने बताया कि पानी लगभग 1 से 1.5 साल से ऊपर हो गया। हाँ, इससे ऊपर हो गया और आज तक इसका समाधान नहीं होता। जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं ऋतुराज झा जी और आम आदमी पार्टी, वो बड़े बड़े दावे करते रहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया और इतना विकास कर दिया कि दिल्ली की जनता एकदम खुश हो गई है। लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है, वो ज़मीनी हकीकत जब आप ग्राउंड लेवल पर आएंगे तभी आपको पता चलेगा। आपको यहाँ पे ऐसा लगता होगा ये जो पानी है ये पानी सिर्फ पानी है, लेकिन यहाँ पर बदबू आता है सर, आप इससे परेशान हो जाएंगे। अगर आप 1.5 घंटा यहाँ रुक जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, इतनी बदबू आएगी और जिससे कई सारी समस्याएं होती है। ये तो मान लो अभी दोपहर का समय है, यहाँ पर आदमी नहीं आ रहे, लेकिन जब यहाँ पर संडे को गुरुवार को बाज़ार लगती है तो आने जाने का एक भी रास्ता नहीं बचता, यहाँ से आदमी निकलने के लिए दुश्वार हो जाएगा। नहीं, अभी तो हालात ऐसे हैं कि अभी इस वक्त भी कोई नहीं निकल पा रहा, तो आप लोग निकलते कैसे? हाँ, यहाँ जो हम लोगों ने अपनी दुकान को जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम बहुत ही मुश्किल से निकल पाते हैं और ख़ासकर हमारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको बहुत ही तकलीफ़ होती है। कई बार इसमें गिर जाते हैं, कहीं से बारिश मान लीजिए कोई बाइक से आता है तो बहुत ही घटना ऐसी हुई है कि बीच में गिर जाने के कारण कई महिलाएं गिर गई हैं। और बीमारी आप बता रहे थे यहाँ पे डेंगू भी होंगे, मलेरिया भी होंगे, हर चीज़ की बीमारी होंगी, लेकिन इसका समाधान कुछ नहीं है। यहाँ के नेता जितना भी हैं स्थानीय नेता, सिर्फ अपनी राजनीति रोटियाँ सेकने के लिए, यहाँ की समस्याएं सुनने के लिए बिल्कुल नहीं है। अब आम जनता क्या करे इस परेशानी में? जनता ने तो वोट दिया था नेताओं को यहाँ का विकास करने, लेकिन वो लंदन और पेरिस वाला बयान देने के बाद यहाँ नर्क बना दिया, ज़िंदगी एकदम बेअसर हो गई है। अब गरीब आदमी किराड़ी में रहने लायक नहीं है जी। नाम बताइए अपना। भाई मेरा नाम इमरान हुसैन है। इमरान जी, मैं यही शारदावस का निवासी हूँ। ये जो समस्या बनी है कब से? ये समस्या जब से ऋतुराज झा आए हैं, जब से ये समस्या ही पैदा हो गई है। अनिल झा वश जब तक थे ये समस्या नहीं थी हमारे आगे, ठीक है। हम कच्चे में रहते थे, उन्होंने पक्का करवाया, कोई ऐसी समस्या नहीं थी। जब से ये आए महापुरुष, इन्होंने ऐसा काम किया कि हम आपके बीच में रहेंगे, अब ये जाके रोहनी में रहने लग गए। केस के लिए कभी किसी संबंधित अधिकारी को शिकायत की है? सारे अधिकारी को यहाँ आके वो जायजा भी ले गए हैं और मुद्दा भी देख गए हैं, लेकिन कभी इस पे हल नहीं हुआ है। हमारे घरों में पानी घुसा बरसात में, अगर नगर से प्लान भी हो गया, सबको मालूम है, लेकिन ये विधायक कान में रुई डाल के सोता रहा। लोगों को चलने में गाड़ियां आती होंगी भाई साहब, यहाँ अभी डिलीवरी की महिला जाए ना, रास्ते में ही बच्चा हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। ये हाल है जिस तरह से गंदा पानी है। और अगर कोई किसी को इमरजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाना पड़े तो उसका रास्ते में दम निकल जाएगा, शमशान घाट यहीं पास में है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। इस विधायक ने ये हाल कर रखा है, ठीक है। अपना नाम बताओ। मेरा नाम तौफीक हुसैन है। ये जगह कौन सी है? ये जगह प्रेमनगर किराड़ी है, सूखी नहर के नाम से मशहूर है। लेकिन आज यहाँ का ये हालत हो चुकी है कि सूखी नहर जो है वो गीली नहर में तब्दील हो चुकी है। इतना ये समस्या तो अभी एक दिन बारिश हुई है, ये है हाल। अगर अभी बारिश हो गई 2 दिन 3 दिन 4 दिन तो यहाँ निकलना बिल्कुल बेघर हो जाएगा लोगों का, समझ लो। बारिश कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन कुछ दिन पहले भी, लेकिन यहाँ का नाला ऐसा हो रखा है कि जाम हो गया बिल्कुल। अब लोग पानी अंदर नहाते हैं, सारा पानी नहर पे आता है, नाला खोल के चले गए हैं और सारा पानी जितना है सब यहीं पे भर गया है। सारे दुकानदार परेशान हैं, सारी पब्लिक जितनी निकलती है यहाँ से परेशान है। एक गाड़ी आती है, कोई अगर जा रहा है साफ़ सुथरा बंदा तो सारा गीला हो जाता है पूरा वो। और इतना गंदा पानी है पूरे, इसमें गंदे जानवर जितने भी हैं यहाँ आस पड़ोस के सारे इसी में नहाते रहते दिन भर।
और पब्लिक इतनी परेशान है कि उसका तो कोई हाल ही नहीं। रात को जब शाम को निकलते लोग यहाँ से तो ऐसा लगता है कि लाइन लगी हुई है, किसी चीज़ का मेला है। दुकानदारी पे क्या फ़र्क, जब पब्लिक ही नहीं आएगी, जब दुकान ही नहीं लगाएंगे तो कैसे होगा? सारा पानी भरा रहता, कौन आएगा दुकान पे? इस चीज़ की शिकायत कभी किया आप लोगों ने? इसकी शिकायत करी लेकिन कोई इस पर एक्शन ही नहीं ले रहा है। पानी भरा हुआ है, एक दिन आया भी था कोई अफसर, अब ये किस चीज़ का कहाँ से आया है, MCD से आया, कहाँ से आया था, लेकिन कुछ नहीं करा। नाला खोला और उसमें से गंद थोड़ा बहुत निकाला और पानी और भर गया। एक दिन सफाई भी हुई है, आए थे 10-20 ट्रक आए थे जो होते हैं साफ़ करने वाले, उसके बाद एक घंटे बाद फिर उतना ही पानी हो गया। तो ये जब तक नाला साफ नहीं होगा यहाँ का, जब तक इसकी समस्या दूर नहीं होगी। नाम बताइए अपना। मोहम्मद नसीब अंसारी है। ये दुकान आपकी है? नहीं नहीं, मेरा दुकान नहीं है। अच्छा, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रहा है, समझे? पानी का निकास बिल्कुल नहीं है और जनता को इतनी तकलीफ है, इतना तकलीफ है कि आने जाने में इतनी परेशानी है कि हद से ज़्यादा। इसलिए नाला का निकास, पहले पानी का निकास होगा तब ये रोड जो है फ्रेश होगा। जब निकास नहीं होगा पानी का, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। आज से नहीं, कम से कम 5 बरस से देख रहे हैं कि समस्या का समाधान, कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। इसलिए यहाँ का विधायक चाहे कोई भी हो मंत्री, ये प्रेम नगर को पानी का निकास करे, पूरा प्रेम नगर का, तब समस्या का समाधान निकलेगा। कब से बनी पड़ी है समस्या? ये 5 साल से देख रहे हैं सर। क्या अगर आप लोगों ने कभी शिकायत वगैरह की है? बहुत शिकायत किया है मैंने, बहुत शिकायत किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। इसलिए पहले पानी का निकास करे, उसके बाद जो है जो पानी जो जमा, पब्लिक कितना तकलीफ से उठा रहा है, बूढ़ी है, आदवैसा है, बूढ़े हैं, कितना गिर गए हैं, गाड़ी बंद हो गया पानी में, मतलब गाड़ी का सिलेंडर में पानी घुस गया, गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी मतलब करवट ले लिया है, पलट गया है पानी में, कोई समाधान नहीं निकला है। इसलिए यहाँ का जो विधायक है पूरा पानी का निकास करे और बेहतरीन से करे, इसलिए जनता को आराम से मिले, आने जाने का रास्ता मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी जयकुश कुमार मिश्रा। जो यहाँ पे समस्या बनी है इसके बारे में क्या बताएंगे? मैम, जब हम सब निकलते हैं तो पानी पानी मिला रहता है, तो हमको सबको निकलने का सुविधा भी नहीं रहता है जी। तो बात दूसरा कारण है, जो नाली नूली है वो भरी रहती है, पूरा भरने के बाद पूरा जनता को दिक्कत पड़ता है। हम सब इतने इतने पानी में हम सब जाते हैं, तो हम सब अपना वो करना चाहते हैं भाई, ये रास्ता को सुधारो, सुधार लाओ, प्रेम नगर को तरक्की ले आओ। जो हम हमारा ये समस्या सर, ये 6-7 महीने से है, ये दिक्कत हो रहा है सब हमारे जनता भाइयों बहनों को, सबको जी। अब ये हम चाहते हैं हमारे समाधान में, तो जो मेरा जी जो हमारे से पब्लिक हैं उनके लिए हम बहुत शुक्रिया करना चाहते हैं, धन्यवाद।